देखो नॉर्मली जो हम लोग लाइट देखते हैं डे टू डे लाइफ में वो अनपोलराइज्ड होते हैं, ठीक है ना। अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये हेडिंग जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, किस किस तरीके से आप पोलराइज्ड लाइट को बना सकते हो। पोलराइज्ड लाइट, प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो पहला जो पॉइंट है जो मैंने पहले बता दिया है कि रिफ्लेक्शन के द्वारा पोलराइजेशन लाइट बन सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स आर देयर। तो द फर्स्ट मेथड, कॉमन मेथड, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बट ये चीज़ है कि ये पार्शियली पोलराइज बनता है, वो कम्प्लीटली पोलराइज नहीं बनता। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दिस इज़ वन मेथड। सेकेंड मेथड, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लो लाइट आया, इंसिडेंट रिफ्लेक्टर हुआ, वो पार्शियली पोलराइज्ड हो गया, और अगर लाइट इस साइड भी आ जाए, रिफ्रैक्टेड भी हो जाए, तो ये भी पोलराइज लाइट बन जाएगी। मतलब ये आपका मान लो अनपोलराइज लाइट है, दिस कुड बी पोलराइज लाइट, दिस कुड बी रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड लाइट, दे कैन ऑल्सो बी पोलराइज। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, देखो सारे मेथड आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वही सब हम लोगों को जानना पड़ेगा। चौथा वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो पहला दो तो इम्पॉर्टेंट है ही, तीसरा वाला उतना खास नहीं, बट ये चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। जहाँ पे बाय रिफ्रेंजेंस वाला फेनोमेना आपका डिस्क्राइब होगा, बट मेरा पेज नहीं आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं। पांच नंबर है पोलराइजेशन बाय कैटरिंग। तो ये कुछ प्रोसीजर है जिसके मदद से आप पोलराइज लाइट क्रिएट कर सकते, ठीक है। पहला वाला केस डिस्कस करते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये पहला वाला केस है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल होता है, तो दो चीज़ हो सकता है, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन में रिफ्लेक्शन। लेट से यू हैव दिस सरफेस, ये सरफेस है आपके पास, दोनों दो सरफेस ले लेते हैं, दो टाइप के आपका लाइट के बारे में हम लोग बोलेंगे। दो चीज़ हो सकता है, एक तो हो सकता है आप अगर पोलराइज्ड लाइट डालोगे तो कैसा बिहेव होगा, अनपोलराइज लाइट डालोगे तो कैसा बिहेव होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोई पोलराइज लाइट डालते हैं, तो ये मान लो आपका इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट आ रहा है। पोलराइज लाइट मीन्स इसमें बस एक ही वाइब्रेशन होगा, ठीक है। मतलब मान लो ये एक प्लेन का वाइब्रेशन ऐसे डिनोट कर रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन का वाइब्रेशन हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे दो वाइब्रेशन हो रहा है एक्चुअली, ऐसे ऐसे एक हो रहा है और दूसरा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पोलराइज्ड बोलूँगा मतलब एक ही वाला वाइब्रेशन होगा, मान लो ऐसा है, ठीक है। ये आपने लिया है लीनियरली पोलराइज लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब एक पर्टिकुलर एंगल है थीटा पी पोलराइजिंग एंगल, ये आपका मीडियम वन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है, ये वाला आपका मीडियम टू है, ये ग्लास हो सकता है, मान लो ग्लास एग्जांपल। तो अगर इस पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होता है, और थीटा पी का जो वैल्यू है, इंसिडेंट एंगल थीटा, इफ़ यू इंसिडेंट इन एंड एट एन एंगल पोलराइज एंगल थीटा पी, इफ़ यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, टेन इनवर्स एन टू बाई एन वन,
दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो और टेन इनवर्स ले लो, अगर उतना एंगल से इसको डालोगे तो किस टाइप का वेव जनरेट होगा, ये ऐसे रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है, और देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट विल बी जीरो। नाउ अगर आप यहाँ पे लीनियरली पोलराइज लाइट के बदले अनपोलराइज लाइट लेते हो, मान लो ये एयर इंटरफेस है, ये आपका ग्लास इंटरफेस है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट में मैंने बोला दो टाइप का ही रहेगा, डिफरेंट वाइब्रेशन मोड रहेंगे उसमें, तो दिस इज इंसिडेंट वेव, इसमें देखो ये एक टाइप का वाइब्रेशन बस ये रहता तो इसको लीनियरली पोलराइज लाइट बोलते हैं, बट इसके साथ साथ वो परपेंडिकुलर भी है, ये जो डॉट दिख रहा है दिस शोज द वाइब्रेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा पी हुआ, थीटा पी आपको पता ही है दिस पोलराइजिंग एंगल टेन इनवर्स इन टू बाई एन वन, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वन होता है, तो ये किस टाइप का वेव जनरेट करे, इसमें रिफ्लेक्टेड वेव जीरो नहीं होगा, इसमें ये पार्शियली पोलराइज हो जाएगा। देखो ये बताते हैं हम, ये तो नॉर्मल टू द सरफेस हुआ, तो देखो दो टाइप का था, ये जो डॉट वाला है वो यहाँ पे चलो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, दिस इज योर प्लेन पोलराइज, और यहाँ पे देखो ये वाला आ गया, ये आपका पार्शियली पोलराइज, रिफ्लेक्टेड वेव प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड वेव पार्शियली पोलराइज्ड, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ऑल्दो पिक्चर में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है बट ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, नाउ लेट्स से अगर ये वाला एंगल आर हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आर हुआ, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये अगर थीटा पी हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, तो व्हाट वी कैन राइट, थीटा पी प्लस आर, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री होगा, थीटा पी प्लस आर क्या लिखेंगे, पाई बाई टू लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या पाई बाई टू, इस वाले चीज को बोला जाता है ब्रिस्टर्स लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ। अब देखो स्नेल्स लॉ से हम लोगों को क्या पता है, इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर फॉर दिस केस वी कैन राइट एन मींस दिस इज वन, एन इक्वल्स टू वन, दिस इज एन इक्वल्स टू एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या होगा साइन थीटा पी बाय साइन आर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा पी साइन आर इज इक्वल्स टू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, तो आजान हो रहा है तो आवाज आएगा, अभी आवाज आ रही है। तो देखो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लिखा थीटा पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स इनटू बाय एन वन ब्रिस्टर्स लॉ,
तो विस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सिस्टम लेते हैं, एयर ग्लास इंटरफेस, एयर से आ रहा है लाइट, ग्लास के थ्रू पास हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और रिफ्रैक्टेड वेव जो होगा वो पार्शियली पोलराइज होगा, जिसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आप देख सकते हो इन द प्लेन है ऐसे। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, एन इज इक्वल्स टू टैन थीटा, ये काइंड ऑफ प्रूफ हो गया ना, फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी आर बेसिकली प्रूविंग विस्टर्स लॉ, ठीक है ना। तो टैन थीटा पी इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन, ओके ना। तो टैन थीटा पी इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन, यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम हियर। तो 1.5 बाई 1 मतलब टेन इनवर्स 1.5 हो गया थीटा पी का वैल्यू, मतलब ये जो आता है इसका वैल्यू आता है 57 डिग्री। तो इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ इसको, आप अगर किसी भी लाइट को, अनपोलराइज लाइट को, ये मान लो ग्लास वाला इंटरफेस है, ये ग्लास है आपका, ग्लास के केस में आप अगर इसको ऐसे भेजते हो 57 डिग्री एंगल बना के, 40 हो गए, 45, 50, मतलब कुछ इस टाइप का होगा, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये आपका 57 डिग्री है, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट होगा और ये दो पोलराइज्ड लाइट होगा, समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक प्रॉब्लम करते हैं, Unacademy is India's largest online teaching learning platform. You can prepare for various competitive exams like CSIR NET, GATE, JEST, IIT JAM, TFR. Especially if you are preparing for CSIR NET Physical Science, you can join me on Unacademy Plus. I cover all the 9 units of CSIR NET Physical Science syllabus. My approach is especially, I precisely give you the concept of the concerned topic. Then I discuss the relevant mathematical formula and do the analysis. Relevant problem based on the topic including previous year questions are discussed. Homework and assignments are also given. This is my profile, and if you want to join my Unacademy Plus courses, you can enroll for this course. And if you are new to this Unacademy platform, you can take Unacademy Plus subscription using our referral code FelixR, and Unacademy will give you 10% off. So take the Unacademy Plus subscription today and put your feet one step ahead towards reaching your goal. Thank you.